सो मुझे एक बचपन का किस्सा याद आ रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। एक दफ़ा मैं अपने वाल साहब के साथ किसी जगह पे गया और वहां पे मैं जो है उन्होंने जूस लेके दिया, मैं जूस पी रहा और पी के जो है मैंने जो जूस का जो टेट्रा पैक था उसको मैंने थ्रो कर दिया। मेरे वाल साहब ने मुझे फ़ौरन से रोका और उन्होंने कहा कि यार इसको आपने थ्रो नहीं करना। और मैं बड़ा हैरान हूँ, मैंने उनसे क्वेश्चन किया, मैंने क्यों नहीं थ्रो करना, ख़त्म कर लिया जूस, अब फेंकेंगे इन डब्बे को, क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, इसको बड़े रिस्पेक्टफुली आपने जो है ना साइड पे तरीके से बस रख देना है, ठीक है। अगर आप डस्टबिन में भी मतलब फेंक रहे हैं तो उसको आराम से आपने जाकर रख देना। मैं बड़ा हैरान गया इस किस्म की बात क्यों, मैंने उनसे क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने आपको जो है रिस्क दिया। जब मुझे जाके पहली दफ़ा समझ आई कि मतलब रिस्क की इम्पोर्टेंस का, जो मुझे थोड़ा बहुत पहली दफ़ा एक हिंट दिया मेरे वाल साहब की तरफ से, मुझे फ़ील होता है तब दिया कि यार जिस चीज़ में अल्लाह ताला ने रिस्क भी दिया ना जिस शॉपर के अंदर, उसकी भी इज्जत करनी है। अच्छा, मैं ये बात कर क्यों रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने मुझे कई सारे इवेंट्स वगैरह पे जाने का इत्तेफाक वगैरह होता है, कुछ जगहों पे हम लोगों की ट्रेनिंग हुई नहीं हुई इस बारे में। हम लोग जो हैं वो खाना भारी प्लेट में पड़ा होगा और हम खाने खाते हुए कहेंगे यार खाना अच्छा नहीं है, ठीक है। देखें इसमें ना हमने एग्जांपल लेनी है हुजूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उनको अगर खाना पसंद नहीं आता था ना, उनकी सुन्नत ये थी, तो वो खाने को बुरा नहीं कहते थे, वो खाने को छोड़ देते थे, ठीक है, लेकिन बुरा नहीं कहते थे। अभी हमारे प्लेट में खाना होता है और हमें अगर पसंद नहीं आया, हम उसको कहते हैं यार हमें पसंद नहीं आया, सही बनाया नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन ये चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते कि यार हमारी प्लेट में खाना तो मौजूद है। कितने सारे ऐसे लोग हैं, कितने यार हंगर प्रोग्राम्स चल रहे हैं दुनिया के अंदर, कितनी ऐसी NGOs पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं जो कि सिर्फ खाना कलेक्ट करती हैं लोगों से, लेफ़्ट ओवर फूड लेती हैं और उन बच्चों को सर्व करते हैं, जो या उन लोगों को सर्व करते हैं जिनके पास खाना नहीं है। तो यार अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत जाने कि हम लोगों के पास अल्लाह ताला ने हमें खाना दिया है या हमारे पास जो है रिस्क मौजूद है, तो इसको बुरा मत कहें। और आइडिया बेसिकली ये था कि यार आपको मैं बता सकूं कि हुजूर पाक का जो इसमें तरीका था वो क्या था। बहरहाल इसको ज़रूर आगे पहुँचाएंगे इस मैसेज को, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।